नमस्कार दोस्तों, बिहार ओपिनियन पोल सीधे सीधे मैं आपको बताने वाला हूं इस बार कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतेंगी। मुझे सैकड़ों मेल आया और हर मेल में सिर्फ एक सवाल था, नीतीश सरकार वापस आएगी या इस बार सत्ता परिवर्तन होगा। द चौपाल की सहायता से अभिषेक तिवारी का कोलैबोरेशन के बाद ये ओपिनियन पोल है। इस ओपिनियन पोल को करने के पहले मैं बता दूं कि हमने लगभग 181 विधानसभा अब तक कवर किया है। द चौपाल की टीम के साथ हम सीमांचल गए, कोशी गए, मिथिलांचल गए, अंग प्रदेश में गए, मगध में हमने विजिट किया, रोहतास, भोजपुर, हर एक जगह पे हमने विजिट किया और उसके आधार पे आकलन किया। सबसे पहले अंग प्रदेश के बारे में बताता हूं। अंग प्रदेश में आती है 24 सीटें। एक छोटा सा उदाहरण, ये MIM बसपा और उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन से राजपूत कैंडिडेट हैं जो कि कौशल सिंह है और ये कहां है, बांका में, अंग प्रदेश में। यह छोटा सा उदाहरण मैंने क्यों दिया कि सीमांचल का प्रभाव, हार्ड कोर जो मुस्लिम वोटर हैं, वो हमें सेंटिमेंट ओवैसी के समर्थन में जब हम क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं तो दिखा हमें। ऐसा नहीं है कि आप सीधे सीधे ओवैसी को हटा सकते हैं रास्ते से। अब ओवैसी किसका वोट काट रहा है? ओवैसी राजद यानी माई समीकरण को बुरी तरह से ध्वस्त कर रहे हैं। माई समीकरण ही मैंने क्यों कहा, क्योंकि बसपा और जब उपेंद्र कुशवाहा का वोट बैंक जुटता है तो ये कैंडिडेट प्रभावी नजर आने लगते हैं कुछ पल के लिए। लेकिन यादव कम्युनिटी अंग प्रदेश में उस बड़े स्तर पे नहीं है जो सिर्फ माई वोट पे जीत पाए। यहां एक और फैक्टर बदल गया है। वो फैक्टर क्या बदला है, राजद से बाहर निकला है मुकेश सहनी और इस अंग प्रदेश में अकेले मुकेश सहनी का लगभग 9% वोट है। इस प्रकार से जो हमारे पास वोट बैंक का शिफ्ट नजर आया है तो लगभग महागठबंधन के समर्थन में लगभग 34% वोट है और NDA के समर्थन में लगभग 43% वोट है। इसी वजह से 24 में से 17 सीटें NDA को जाती हुई साफ साफ नजर आती हैं और बाकी सीटें महागठबंधन के समर्थन। अब आते हैं सीमांचल। यहां पर 24 सीटें और सीमांचल का खेल बिल्कुल ही जुदा है। यहां पर महागठबंधन NDA पे जबरदस्त ढंग से भारी पड़ रही है। उसके दो कारण हैं। मुसलमान बाई एंड लार्ज अगर यादव के साथ कॉम्बिनेशन में आए तो सिर्फ ये माई समीकरण इस परिस्थिति में है कि अगर NDA को ठीक ढंग से वोट ना पड़े कास्ट अर्थमेटिक पे तो ये जिताने के कंडीशन में, जैसे किशनगंज की सीट हो गई, अररिया हो गई, मधेपुरा। पर एक फैक्टर है, अगर पप्पू यादव की पार्टी जिसको समर्थन है भीम आर्मी चीफ रावण का यानी चंद्रशेखर का, तो खेल गड़बड़ा सकता है। मधेपुरा से इस बार खुद टाल ठोक रहे हैं और समाचार जहां तक हमें प्राप्त है कि लगभग 4-5% वोट ये काट रहे हैं। उसके बावजूद महागठबंधन 24 में से 13 सीटें लेती हुई दिख रही है और बाकी सीटें NDA की तरफ जा रही है। मधेपुरा की सीट इस वजह से कांटे में फंस रही है क्योंकि वहां पप्पू यादव खुद टाल ठोक रहे हैं, मगर उसके खिलाफ जो है वो शरद यादव के फैमिली मेंबर। तो देखते हैं ऊंट किस ओर जाता है, मगर हमारे प्रेडिक्शन के अनुसार यहां पर महागठबंधन को 13 और NDA को 9 सीट लगभग मिल सकती है। अब आते हैं मिथिलांचल। यहां पर 50 सीटें, यहां पर कंटेस्ट है और यहां पर कंटेस्ट क्यों ज्यादा हो रहा है, क्योंकि RJD का कोर वोट बैंक इस बार बड़ा जबरदस्त ढंग से हमें मिथिलांचल में वोकल नजर आया और BJP का वोटर, जैसा मैंने कहा था वीडियो के शुरू में, साइलेंट मोड में नजर आया। वो बड़ा कंफ्यूज है कि उसे अपना वोट चिराग पासवान को देना है या जदयू को देना है। ये कंफ्यूजन कब तक था, जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली नहीं हुई थी या भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा साहब की रैली नहीं हुई थी। उसके बाद रुझान बदलते हैं। इन 50 सीट में से NDA फिलहाल 35 से 40 सीट ले सकती है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, 35 से 40 सीट। वहीं महागठबंधन के पास 10 से 15 सीट मिलती हुई नजर आ रही। अब मिथिलांचल के बाद सीधे आते हैं भोजपुर, रोहतास और मगध। ये तीनों वहीं जहां आप लोगों की नजर अटकी हुई है, बाकीपुर सीट जहां से पुष्पम प्रिया लड़ रही है चुनाव, नहीं जीत। तो पुष्पम प्रिया नहीं जीत रही है, मगर हो सकता है उनसे ज्यादा एक निर्दलीय कैंडिडेट को जो है वोट मिल जाए, आप समझिए।
वैसे पुष्पम प्रिया और उनके लोगों ने उनके ब्यूटीफुल फेस को देखते हुए खूब जोर लगाया, पर नितिन नवीन अभी भी बांकीपुर विधानसभा में होल्ड कर रहे हैं। इस चुनाव में गर्मा गर्मी तो खूब नजर आई, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा के सुपुत्र लव सिन्हा भी ताल ठोक रहे हैं, मगर जैसा कि सर्वविदित है बांकीपुर विधानसभा में जो एक इंटेलेक्चुअल तबका है वो भाजपा के अलावे कहीं शिफ्ट होता ही नहीं है, तो बड़ा मुश्किल है कि शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी पत्नी मिलके भी इस सीट को निकाल पाए। जहां तक हमारे पास प्रेडिक्शन है 56% वोट शेयर, 56% वोट शेयर बांकीपुर विधानसभा में नितिन नवीन के पास जा रहा है। बाकी भोज इन 69 सीटों में से जहां पे भोजपुर हो गया, मतलब आरा, अगियाव, तरारी, तरारी का मामला क्यों फंस गया, तरारी में सुनील पांडे नाम का एक निर्दलीय कैंडिडेट खड़ा है, पहले जदयू से ये विधायक थे। सुनील पांडे सो कॉल्ड रूप से आप कह सकते हैं दबंग नेता है, आप लोग जैसे चुनावी भाषा में कहते हैं ना दागी नेता, वैसे नेता थे जिनको जदयू ने बाहर कर दिया, मगर वो 10,000 से 15,000 वोट काट रहे हैं और तरारी विधानसभा एनडीए हार रही है, इसी वजह से तरारी विधानसभा हार रही है। उसी तरह से एक और विधानसभा जहां पे पूर्व जदयू भाजपा की ही कैंडिडेट आशा देवी खड़ी हो गई बड़हरा में, वहां भी एनडीए हार रही है और बड़ी आसानी से महागठबंधन जीत रही है। माले के कैंडिडेट, एक जबरदस्त न्यूज बता रहा हूं, माले के कैंडिडेट जो जहानाबाद के घोसी से खड़े हैं वो जीत सकते हैं, वो चुनाव इसलिए जीत सकते हैं क्योंकि वहां पे माले का प्रभुत्व है, प्लस माई कम्युनिकेशन जो है, माई जो है सेगमेंट बड़ा अच्छा वहां पे शिफ्ट हो रहा है, बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन दिख रही है, तो वहां पे भी महागठबंधन जीत रही है। यानी जहानाबाद, घोसी, ये सारी सीटें जो है महागठबंधन की तरफ जा रही है, मगर फिर भी मगध, भोजपुर और रोहतास, रोहतास में क्यों खेल खराब हो रहा है, रोहतास में खेल खराब होने का कारण है बीजेपी चंक वोटर्स, बीजेपी के हार्ड कोर जो वोटर हैं, जिसे माना जाता है 26-27%, वो वोटर, जैसे वहां पे 26-27% मैंने क्यों कहा, क्योंकि वहीं पे ब्राह्मण, राजपूत का बड़ा अच्छा वोट बैंक है, बनियों का अच्छा वोट बैंक है, और एक बात आप समझ लीजिए, अब अगर आप यादव को हटा दें तो ओबीसी की पार्टी जो है भाजपा नजर आती है और एकदम क्लीन। सबसे बड़ी बात मैंने क्या कहा कि बिंद समाज मल्लाह, सन ऑफ मल्लाह जो है मुकेश सहनी का वोट एकदम क्लियर कट ट्रांसफर होते हुए नजर आ रहा है, जिसकी काट जो है आरजेडी के पास नहीं है, अगर होती तो शायद इस चुनाव का रिजल्ट कुछ और होता, मगर इस 69 सीट में से लगभग 45 सीटों पे जो है एनडीए कब्जा करते हुए देख रही है, रेस्ट सीट पे जो है वो महागठबंधन। चेनारी विधानसभा मैं इसलिए बता दे रहा हूं, वो विधानसभा मेरे करीबी हैं, आप लोग जानते हैं, मैंने खुद जाकर के ललन पासवान जी का इंटरव्यू लिया था, वहां पे लगभग 15,000 से 20,000 के मार्जिन से विधायक ललन पासवान चौथी बार जीतेंगे। उसका कारण विकास नहीं है, कास्ट अर्थमेटिक भी चीज होती है, पासवान वो खुद है, बड़े वोट ब्राह्मण राजपूत उनके साथ हैं और निचले तबके में पहाड़ी लोगों के पास जो है खूब विकास पहुंचा है। मैं बता रहा हूं कि पहाड़ जहां पे शुरू होता है कैमूर की वादी, वहां पे आखिरी पहाड़ शुरू होने तक उन्होंने सड़क बनवाया है, पानी की व्यवस्था की है, इस वजह से वो जीत रहे हैं। अब बात कर लेते हैं तिरहुत प्रमंडल की, उत्तर बिहार की, जहां पर 73 विधानसभा सीटें हैं। तिरहुत प्रमंडल बाई एंड लार्ज पहले से भी भारतीय जनता पार्टी का कोर एरिया माना जाता है, इसमें पूरा सीतामढ़ी आ गया, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, ये पूरा एरिया, वैशाली, आप देखेंगे किसी जमाने में ये आरजेडी का कोर होता था, मगर नित्यानंद राय जैसे पावरफुल यादव खिलाड़ी का कॉम्बिनेशन, प्लस फॉरवर्ड वोट्स, बनिया वोट, अदर ओबीसी वोट, प्लस नीतीश कुमार जी का 4% का मसाला, और अब एडेड फ्लेवर जैसे मैंने कहा सन ऑफ मल्लाह बिंद समाज का वोट, ये बड़ा जबरदस्त, लगभग एकदम ये हो सकता है तिरहुत प्रमंडल एकदम जो है 73 में से एकदम स्वीप जैसी स्थिति बन जाए, हो सकता है इसमें से 55 से 60 जो है सीटें वो एनडीए जीत। यानी द चौपाल और अभिषेक तिवारी शो का कॉम्बिनेशन वाला सर्वे ये कहता है कि एनडीए को 160 से 170 सीट प्लस माइनस
10 सीट मिल सकती है, वहीं पे जो महागठबंधन है उनको 80 से 70 सीट से ज्यादा नहीं मिल रही है। सिर्फ एक क्षेत्र सीमांचल कोसी में वो एनडीए से अपर हैंड में नजर आते हैं, बाकी कहीं भी वो वोट परसेंटेज के मामले में दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। सॉलिड कास्ट अर्थमेटिक का गेम खेल रही है एनडीए और उनके पास लगभग 44 से 46% का वोट शेयर है, जहां पे टू कॉर्नर फाइट होती है। अगर 44 से 46% और लगभग 34 से 35% का वोट शेयर का गैप, यानी 8 से 9% का वोट शेयर का अगर गैप रहे, तो आप समझ सकते हैं कितना क्लियर स्वीप है और वो हमारे प्रेडिक्शन में नजर आता है। यहां पर एक बात मैं आपको आखिर में बोलना चाहूंगा, सर्वे में ये हमारा आज तक अभी तक आज के डेट का है, बहुत सारी चीजें मोदी जी की रैली के बाद और राहुल गांधी के रैली के बाद बदल सकती हैं बीजेपी के फेवर में। आपको पता है कि जो भाजपा के सबसे बड़े स्टार प्रचारक वो नरेंद्र मोदी नहीं, राहुल गांधी साहब हैं। तो ये रैली कितना इंपैक्ट दिलाता है ये देखने वाली बात होगी। अगर इसमें 1% या 0.5% का वोट स्विंग भी और एनडीए की तरफ होता है तो दे मे क्रॉस 200 सीट का मैजिक फिगर। जय श्री राम।